चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी कोई संतान थी नहीं। संत जी ने फल दिया, बड़ी पत्नी को फल खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई, समय पर बच्चा हुआ, 5 साल का बेटा हुआ। तो राजा की बहुत सारी रानियां थी, एक रानी को बेटा हो गया, बाकी रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा तो हमें प्यार ही नहीं करते, देखते भी नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण बच्चे को जहर दे करके मार डाला। राजा रोने लगे, मेरा बेटा, मेरा बेटा। नारद जी ने समझाया, महाराज ये जिंदगी कुछ दिनों की है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, जाना सबको है, इसलिए रोया ना जाए, रोया ना जाए। अच्छा हाँ, राजा ने कहा, महाराज मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, ज्ञान से मेरा काम बनने वाला नहीं। तब नारद जी ने बच्चे को जीवित किया, पिता ने दौड़ा कि ला तुझे गले से लगाऊं। तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो? एक्चुअली मेरी माँ, जीवन की सच्चाई ये है कि ये जो पत्नी है आपकी, पति है आपका, ये पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने के लिए आपकी पत्नी और पति और बेटा और बेटी बन के आई और आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उसी दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। उस बच्चे ने कहा, मैं पिछले जन्म में भिखारी था और आपका बेटा बन के इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने मुझे जरा गेहूं का आटा दे दिया था, मैंने आपके आटे से रोटियां बनाई और कंडे दिए, ओपले कंडे, गोबर का सूखा हुआ गोबर, कंडे पर आग लगाई, चींटियां बहुत सारी थी, रात हो रही थी, ध्यान दिया नहीं, सारी चींटियां आग में जल गई, मेरे द्वारा तमाम चींटियां मर गई और मैंने आपकी रोटियों की आटे से 5 रोटियां बनाई, भोग लगाकर भगवान को खाई, तो वही चीटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा तो इस जन्म में उन्होंने मुझे मार डाला जहर देकर, और आपकी 5 रोटियां खाई थी सो आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का हिसाब आपको चुका दिया। ये कहकर बेटा जाने लगा। ये जीवन का एक छोटी सी कथा से एक जीवन का बहुत बड़ा संदेश है, सार तत्व है। बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, परिवार का कोई भी हिस्सा, अंग या कोई भी व्यक्ति मर जाए तो ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उम्र लेकर पैदा होता है। मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मेरे आने का रिजर्वेशन नहीं मैया, मेरे जाने का भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट अभी हाथ पर नहीं आई। मेरे जन्म लेते ही उसी दिन तय हो गया था कि मेरे को जाना कब है। क्यों जी, सही है? इसलिए कोई के मरने पर आप ना रोएं ज्यादा, ज्यादा थोड़ा बहुत तो रोना ही पड़ता व्यवहार निभाने के लिए, तो थोड़ा बहुत रो लो ठीक है, ज्यादा ना रोया करो। क्यों? क्योंकि यही सत्य है जीवन का कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। पत्नी जो आपकी है ये आपका कोई ना कोई पुण्य या पाप का परिणाम था, आपका ही कर्म पत्नी के रूप में परिणित होता है। पत्नी, हमने जो अच्छा कर्म किया था वो अच्छे कर्म ही हमारी पत्नी बनकर आ गए और हमें पत्नी से बड़ा सुख मिल रहा है। आपने बुरे कर्म किए थे तो आपकी पत्नी बुरी है, मारती है आपको, धमकी देती रहती है, तो तुमने बुरे कर्म किए थे तो तुम्हारे कर्म पत्नी बन के आए हैं। जब कोई कहे महाराज हमारी पत्नी मारती है, तो पत्नी नहीं मारती, तुम्हारे कर्म तुम्हें मार रहे हैं पत्नी बनकर। एक बात बताओ, जज ने किसी को फांसी की सजा दे दी, तो जज ने जिसे फांसी की सजा दी तो क्या उस व्यक्ति से जज साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्या कि जज ने फांसी दे दी? मैया बोलो, मेरी माँ, क्या जज की कोई दुश्मनी थी? हाँ या ना, जोर से। तो फिर जज ने फांसी क्यों दी बोलो? उसके कर्मों को देखकर जज ने तो अपना जजमेंट सुनाया है। जज ने फांसी नहीं दी, उसके अपने खोटे कर्मों ने उसे क्या दिया? फांसी, सजा। हाँ या ना? तो जैसे जज अपराधी नहीं है,
उस व्यक्ति के अपराधों ने ही उसे फांसी दी। जज तो केवल माध्यम है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी केवल माध्यम है। एक्चुअली तुम्हारी पत्नी के रूप में ही तुम्हारे पाप और पुण्य है। तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम के बुरा पति मिला और अच्छे कर्मों का परिणाम की अच्छा पति मिला। ये तुम्हारे ही कर्म दंड है, पत्नी बनकर मिलते हैं या पति बनकर मिलते हैं। अब जो किया था किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, सब आज चुकाना पड़ रहा है हिसाब किताब। किसी का बेटा बुरा है तो ये बेटा नहीं है, तुम्हारे पाप ही पुत्र के रूप में प्रकट भए हैं और वो तुमसे हिसाब किताब कर रहे हैं। अच्छा करोगे तो बेटा अच्छा बन के सेवा करके तुम्हें खुश रखेगा, बुरा करोगे तो तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हें दुखी करेगा। ये तुम्हारे ही कर्म दंड है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस संसार में एक आदमी ऐसा हो तो बताओ जिसके जीवन में विपत्ति ना आए। सबकी पत्नी बुरी नहीं होती, सबका पति बुरा नहीं होता। तुम्हारा ही पति बुरा क्यों है? तुम्हारी ही पत्नी बुरी क्यों है? तुम्हारा ही बेटा बुरा क्यों है? क्यों? पितामह भीष्म को ही बाणों की सैया क्यों मिली बताइए? दुर्योधन को क्यों नहीं मिली? धृतराष्ट्र को क्यों ना मिली? जवाब दीजिए। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? गुरु द्रोणाचार्य को क्यों ना मिली? दुर्योधन सबसे बड़ा दुष्ट था, शकुनी सबसे बड़ा दुष्ट था, इसे क्यों ना मिली बाणों की सैया? शकुनी को, दुर्योधन को, पितामह को क्यों मिली बता दो? इसलिए मिली कि पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति था तो भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य से भी ज्यादा बल पितामह भीष्म के अंदर था। भीष्म पितामह ने अपने गुरु से युद्ध करके उन्हें युद्ध में संतुष्ट किया है, परशुराम जी से। हां या ना? सबसे बड़े बलवान उस धरत उस जमाने पर उस समय कोई थे तो पितामह। सबसे सीनियर थे, सबसे बुद्धिमान थे, सबसे ताकतवर थे, लेकिन इतनी ताकत होने पर भी, इतना ज्ञान होने पर भी तुम्हारे आंखों के सामने एक महिला के कपड़े उतरते रहे और तुम बैठे बैठे तमाशा देखते रहे। इसी चुप्पी के कारण उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। हां या ना? पितामह के बारे में कहा जाता है कि पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प के मर गया। कर्मों का दंड तो पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा। खुद के कर्मों के कारण बाणों की सैया मिली है, किसी और के कर्मों का दंड नहीं भोगा पितामह ने, अपने ही चुप्पी का दंड भोगा। तुम्हारे पास ताकत थी रोकने की तो रोक लेते पाप को, क्यों जी? या तो कह देते कि अब नहीं रहा मेरा कोई संबंध कौरवों से, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनते। यदि बेटा आपकी बात सुने तो सुनाना, समझे तो समझाना, और ना समझे गलत रास्ता अपनाए तो कह दो अब नहीं है हमारा तेरे से कोई संबंध। यदि संबंध रखोगे तो उसके पाप का दंड तुम्हें मिलेगा, संबंध छोड़ दोगे तो बच जाओगे। पितामह ने ना तो संबंध छोड़े और ना तो अपने औलाद को, औलाद मीन्स अपने घर परिवार के लोग। दुर्योधन कौन था? दुर्योधन के पितामह थे ना, भीष्म पितामह। तो कहां रोका अपराध को? ना तो रोके ना तो गए, जबकि विदुर जी ने उस युद्ध से अपने आप को अलग रखा था। मैं नहीं लड़ूंगा किसी, क्योंकि विदुर जी जानते थे ये दुष्ट हैं दुर्योधन लोग, क्या लड़े इनके पक्ष से। विदुर जी चले गए थे, विदुर जी ने युद्ध नहीं किया।
पितामह भी कह देते हम भी नहीं लड़ेंगे, क्या हम दुष्टों का साथ दें, दुर्योधन जैसों का। लेकिन नहीं, ना तो युद्ध से मुंह मोड़ा और ना तो न्याय किया, जिसके कारण उन्हें क्या मिल गई मेरी मां, बोलो मैया जी। पितामह भीष्म जैसों को भी कर्मों का दंड मिला है, तो क्या आप और हम बच जाएंगे? मैया आप बच जाओगी, भैया आप बच जाओगे? नहीं ना, हम सभी को भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी पर दोष ना लगाओ, तुम्हारे कारण विपत्ति आई, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जो भी मिल रहा है हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है, आनंद से रखो।